लोग अक्सर पेट एवं पाचन से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं। किसी को पेट दर्द की शिकायत रहती है तो किसी को कब्ज या गैस, डकार, अल्सर, खट्टी डकार, इनमें से अधिकतर समस्याएं हमारी बड़ी आंख के इन्फेक्टेड होने के कारण होती हैं। अधिकतर आंख की प्रॉब्लम तली, स्पाइसी एवं एंटीबायोटिक दवाओं के लेने के कारण होती है। इसी वजह से हमारे पेट में ये सभी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसी ही पेट की समस्या को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक के बारे में। प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक हमें क्यों लेना चाहिए एवं प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ एवं सप्लीमेंट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। चलिए बात कर लेते हैं प्रोबायोटिक के बारे में। प्रोबायोटिक ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारी आंतों में पाए जाते हैं, साथ ही ये कुछ खाद्य पदार्थों में भी अप्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। ये हमारे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकते हैं, खासतौर पर यदि किसी बीमारी अथवा किसी मेडिसिन के असर की वजह से हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर से मौजूद प्रोबायोटिक की कमी आ जाती है तो डायरिया एवं यूटीआई संबंधी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी ही स्थिति में इसकी पूर्ति करने के लिए हमें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए जान लेते हैं कि हमें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कब लेना चाहिए। यदि हमारी आंतों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, डायरिया है या आप किसी भी तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना बेहतर होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं अच्छे एवं बुरे बैक्टीरिया को प्रभावित करके आंतों के नाजुक माइक्रोवेलियम संतुलन को बाधित करते हैं, क्योंकि वे सामान्य फ्लोरा को बहाल करने में मदद करते हैं और डायरिया को रोकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक दवाओं का एक सामान्य साइड इफेक्ट है। इसी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए हमें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि प्रोबायोटिक की पूर्ति किन खाद्य पदार्थों के द्वारा कर सकते हैं। वैसे तो प्रोबायोटिक हमारी आंतों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने के कारण एवं किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के कारण प्रोबायोटिक की कमी हो जाती है। प्रोबायोटिक की पूर्ति करने के लिए छाछ दही इसका बहुत ही बड़ा स्रोत है। वैसे तो इसकी पूर्ति करने के लिए इडली, डोसा, अचार, ब्रेड आदि भी ले सकते हैं। यदि आप इन भोज पदार्थों को नहीं ले सकते हैं तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो कि आपको मेडिकल पर कैप्सूल के रूप में आसानी से मिल जाएंगे। इन सभी का यूज करने के बाद भी यदि आपको प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। वैसे तो किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ही जरूरी होता है। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।